अ ब्लॉक एड्रेस एक्सप्लोड्स इंटू थ्री इक्वल पार्ट्स। तो ये ब्लॉक है जो कि एक्सप्लोड हो गया तीन बराबर हिस्सों में, है ना, ये दिखाई दे रहे हैं, एक दो और तीन। टू पार्ट स्टार्ट मूविंग अलॉन्ग एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली विद इक्वल स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। यानी कि ये जो तीनों टुकड़े हैं, इन तीनों का मास पहली बात तो बराबर है, ठीक है, और इसमें से दो टुकड़े एक एक्स के अलॉन्ग चले गया 10 मीटर पर सेकेंड से और एक वाई के अलॉन्ग चले गया 10 मीटर पर सेकेंड से। इसके मास को मैं 3m मान लेता हूँ, तो इन तीनों का मास क्या हो जाएगा, m m और m, ठीक है ना। अब भाई यहाँ पर मैं गोल बना दिया हूँ ब्लॉक को, तो उसके लिए ज़्यादा उसमें टेंशन लेना नहीं है, है ना। ऐसे मैं डब्बा बना देता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, गोल सिंप्लिसिटी के लिए बना दिया, ठीक है। तो भाई देखो, इनिशियली अगर ये रेस्ट पे है तो इसका मतलब क्या है कि इनिशियली मोमेंटम जो है वो ज़ीरो है, ठीक है। तो बाद में क्या होएगा, बाद में भी मोमेंटम ज़ीरो होएगा, क्यों, क्योंकि एक्सप्लोड अगर हो रहा है वो, तो एक्सप्लोजन का मतलब क्या होता है, इंटरनल फोर्सेस की वजह से हो रहा होगा, है ना, जैसे बम फूटता है। तो भाई मेरे को साफ दिख रहा है कि इसका मोमेंटम ऐसा है, इसका मोमेंटम ऐसा है, तो ये तीसरे वाले का कुछ इस तरीके का मोमेंटम आना चाहिए, तभी तो इन तीनों वेक्टर का सम ज़ीरो होगा, है ना। तो साफ सीधी बात है कि अगर मैं केवल इसकी और इसकी बात करूँ तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, ये, है ना, और वैल्यू कितनी आएगी, एम इंटू टेन, एक का मोमेंटम है ये एम इंटू टेन, इसका भी कितना है एम इंटू टेन, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, एम इंटू टेन रूट टू, ठीक है। अब इसकी पीछे वाली वेलोसिटी ही तो पूछा है, इसकी तीसरे वाली ब्लॉक की ये वेलोसिटी पूछा हुआ है, तो भाई ये तो ऑब्वियस है कि ये 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है, तो ये 135 डिग्री होगा, मान लेते हैं वेलोसिटी वी है, स्पीड है ना, तो ये तीसरे वाले पार्टिकल का मास क्या है, एम वी, यानी कि ये वेक्टर और इन दोनों का रिजल्टेंट यानी कि ये वेक्टर, है ना, बराबर होना चाहिए, तभी रिजल्टेंट मोमेंटम क्या आएगा, जीरो आएगा। तो बस ये वाला वेक्टर एम वी इज इक्वल टू ये वाला, है ना, एम इंटू टेन इंटू रूट टू, तो ये एम से एम गया और वी की वैल्यू क्या आ गई, 10√2 मीटर पर सेकेंड। अब देख लेना भाई आंसर 10√2 दिया है या फिर कई बार रूट टू को वो 1.414 लिख के सिंप्लीफाई करके 14.14 मीटर पर सेकेंड भी दे सकता है, तो वो देख लेना, ठीक है, इजी ही क्वेश्चन मानूंगा मैं इसको।